नमस्कार, स्पोर्ट्स स्ट्रीट में आपका स्वागत है। तो भारत ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त शुरुआत की है, जीत से अपने अभियान की शुरुआत की है। बहुत ही खुशी हुई, सभी फैंस बहुत खुश हैं। भारत के रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त पारी खेली, मज़ा आ गया देखकर। तो इस मैच पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं आईपीएल क्रिकेटर और यहाँ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट शरद लुम्बा। वेलकम टू स्पोर्ट्स स्ट्रीट। तो सर, मेरा पहला सवाल यही है कि जैसी अब जीत दर्ज की है साउथ अफ्रीका की टीम, जिसका लग रहा था कि फेवरेट मानी जा रही थी, लेकिन अब तीनों मैच हार गए, पहले इंग्लैंड से, बांग्लादेश से और अब भारत से, तो उस पर क्या कहना आपका? साउथ अफ्रीका के लिए मैं ये कहूँगा कि वैसे तो टीम बहुत अच्छी है उनकी, बट जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो वहाँ पर वो प्रेशर को संभाल नहीं पाते, बिल्कुल चोकर्स कहा जाता है उनको। हाँ, चोकर्स कहा जाता है उनको, तो वही हुआ उनके साथ पहले मैच से। और इंडिया की जैसे कल मैच है इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ, तो इंडिया की अगर आप टीम देखें तो बहुत बैलेंस्ड है, अगर वो अपने स्ट्रेंथ पे खेलेगी तो उनको हराना बहुत मुश्किल है। रोहित शर्मा की बात कर लें तो आईपीएल में स्ट्रगल किया था उन्होंने, और कल भी हम देख लें, इससे पहले वार्म अप मैचेस में भी कुछ खास नहीं कर पाए, कल भी शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी एजेस लग रही थी, लेकिन उसके बाद जाकर शतक लगाया, जिताऊ पारी खेली। और विराट कोहली ने भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने ऐसी पारी नहीं देखी, मैं इसको टॉप इनिंग्स में गिनता हूँ रोहित शर्मा की, उसके बारे में क्या कहना? हाँ, रोहित शर्मा जैसे आप बोल रहे हैं आईपीएल में स्ट्रगल में थे, बट वो आईपीएल में बैटिंग अच्छी कर रहे थे, और ये हुआ कि उन्होंने लंबी स्कोर नहीं की किसी मैच में, बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। और वैसे ही कल था कि जो कल पहला स्पेल खेला उन्होंने रबाडा और मॉरिस का, अच्छा था, काफ़ी टू पेस विकेट था, और जो उन्होंने पहला स्पेल निकाला उसमें हाँ थोड़े लकी भी रहे, बट बाद में सबको पता है रोहित शर्मा का एक बार वो पेस में खड़े हो गए लंबा स्कोर करते हैं और टीम को थ्रू करते हैं, वही उन्होंने कल किया, मज़ा आ जाता है उनकी बैटिंग देखकर। उसके अलावा और पॉजिटिव देखा जाए, चहल ने 4 विकेट लिए, तो आपको क्या लगता है पहले मैच में जो जीत के साथ शुरू हुए मोमेंटम में, एक विनिंग मोमेंटम बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके बारे में क्या कहना, क्या पॉजिटिव्स लेकर चले हम पहले मैच? देखो, काफ़ी पॉजिटिव्स रहे हैं कल इंडिया के लिए पहले मैच में, क्योंकि अगर पहले जैसे बॉलिंग कर रहे थे तो बुमराह ने जो पहला स्पेल था बुमराह का, तो मतलब कि गुमराह कर दिया बीकॉक का, मैं देख रहा था कि उसके बैट में भी बॉलिंग लग रही थी, और एक ओवर तो पूरे बीट हुआ वो। और भुवनेश्वर कुमार थोड़ा सा शुरू में टाइस लगा था, बट उसने सेकंड्स पहले बहुत अच्छा बॉल किया। और जो मेन चीज़ है इंडिया के स्पिनर स्पिनर्स, उनका विकेट लेना मिडिल ओवर में बहुत जरूरी है, जो कल एग्जैक्टली वही हुआ, उन्होंने कल पिछले ओवर में 5 विकेट लिए। और जब जब ये दोनों स्पिनर्स मिडिल ओवर में विकेट लेंगे तो इंडिया हमेशा उस मैच में लो स्कोरिंग दूसरी टीम को आउट करेंगे। अगला मैच जो होना है वो होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तीनों जिनके अभी तक ठीक ठाक प्रदर्शन है, अफगानिस्तान के खिलाफ तो आसानी से जीत दर्ज कर ली थी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल किया है, लेकिन उनके स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर की वापसी हुई है काफ़ी समय बाद, और बॉलर्स भी देख रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी वर्ल्ड चैंपियंस को टूर्नामेंट खेल रहे हो आप, जिसमें पूरी वर्ल्ड कप जैसा होगा, कोई भी वर्ल्ड कप हो, उसमें आप कभी उनको डिले नहीं ले सकते आप उनको, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस है पहले, बिल्कुल, और वो उनकी टीम कैसी भी हो, बट वो जब भी कोई बड़े टूर्नामेंट में आते हैं तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ आते हैं, तो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आज का जो कल का मैच हुआ है वो अच्छी तरह देखें, उनको लगे पता कि हाँ कि कौन सा बैट्समैन किस तरह से बैटिंग कर रहा है, कौन सा बॉलर किस तरह से बॉलिंग कर रहा है। अच्छा, पहले मैच में हमने देखा कि लग रहा था केदार यादव, विजय शंकर या फिर दिनेश कार्तिक, किसी को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन अंत में केदार यादव, जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, उनको प्रेफरेंस दी गई, तो इसके बारे क्या कहना है? दिनेश कार्तिक, विजय शंकर को बाहर रखा गया, केदार यादव को जब तक से मैं देख रहा हूँ वो 5-6 नंबर का बेस्ट प्लेयर है इंडिया का, क्योंकि वो टाइम कम लेता है सेट होने के लिए, जाते सिंगल्स और बड़े शॉट के लिए वो जा सकता है, और बल्कि जहाँ विजय शंकर देखते हैं, विजय शंकर इस लिटल बिट ऑफ इनएक्सपीरियंस को इतने बड़े टूर्नामेंट में एकदम से डालना, हो सकता है कि इंडिया पहले 5-6 मैच चेक करे, उसके बाद चांस दे सकते हैं विजय शंकर को या किसी और को चेक करने के लिए। लेकिन दिनेश कार्तिक ने काफ़ी बार प्रूव किया अपने आप को एज अ फिनिशर, तो उनके बारे क्या कहना? बट एज अ फिनिशर हमारे पास पहले 2 फिनिशर हैं, हमें ऐसा प्लेयर चाहिए कि अगर सपोज 2-3 विकेट ऊपर से जल्दी भी जाते हैं तो वो पारी को संभाल सके, और केदार यादव के पास वो एबिलिटी है कि अगर 3-4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो वो पारी को संभाल भी सकता है और उसके तरीके से खेल भी सकता है, और अगर थोड़ा लेट गिरते हैं तो वो जाते एक्सलेट भी कर सकते हैं। ओके, तो जो दर्शक देख रहे हैं, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, केदार यादव, विजय शंकर, दिनेश कार्तिक, आपको क्या लगता है किसको खिलाना चाहिए इस वर्ल्ड कप में? पहले मैच में तो केदार यादव को खिलाया गया, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा,
बॉलर्स की बात कर लें उनका भी काफ़ी रोल रहा है पहले मैच में, और ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर लें मिचेल स्टार्क और भी कई इनके पास बढ़िया गेंदबाज हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें चलो उनके पास उनको नुकसान भी हुआ था, डेल स्टेन इंजर्ड हो गए थे, कुछ बॉलिंग थोड़ी वीक लग रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ऐसा नहीं है। तो उनके बॉलर्स के बारे में क्या कहें, कितना खतरा साबित हो सकते हैं भारत के लिए? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी लेटेस्ट भी हम जो जितने मैच हुए हैं उसमें विकेट्स लग रहा था कि बड़े स्कोरिंग वाले विकेट्स होंगे, बट इंग्लैंड का जो मैच हुआ उसमें तो बड़ा स्कोर हुआ, बट जो बाकी टीमों के मैच हो रहे हैं इतना अच्छा विकेट नहीं मिल रहे उनको। और जो मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा और शिखर धवन का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ओपनिंग पे है, कि अगर वो पहले 10 ओवर फ्री ऑफ करते हैं, जैसे मिचेल स्टार्क है उनके पास, पैट कमिंस हैं, वो अच्छी बॉल करने वाले बॉलर हैं, अगर वो पहले 10 ओवर अच्छा कंट्रोल से खेलते हैं और विकेट लूज़ नहीं करते तो वो बहुत ही अच्छा होने वाला है भारतीय टीम के लिए। आपने कहा विकेट पे समय बिताने ज़रूरत है, तो पहले मैच में भी हमने देखा चलिए केएल राहुल धोनी बड़ा स्कोर तो नहीं लगा सके, लेकिन कम से कम उन्होंने कुछ समय तो दिया, तो वो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले मैच? बिल्कुल, देखो एक बैट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो टूर्नामेंट के पहले मैच से ही फॉर्म में आ जाए, और जैसे रोहित शर्मा ने 100 किया है तो वो इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा है कि वो पहले मैच में 100 कर लिया उन्होंने, और धोनी ने भी अच्छी बॉलें खेली हैं, 50-60 बॉलें खेली हैं, 40 रन किए हैं, और राहुल भी अच्छा विकेट पे उसने टाइम बिताया है, तो ये उनके लिए अच्छा है इंडियन टीम के लिए कि पहले मैच से ही बैट्समैन अच्छे फॉर्म में। एक आखिरी सवाल, पिछले मैच में जैसे हम सब एक्साइटेड थे रबाडा वर्सेस कोहली कॉन्टेस्ट के लिए, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच होगा कौन सा ऐसा कॉन्टेस्ट है दो प्लेयर्स के बीच जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? देखो मैं एज अ प्लेयर मैं मिचेल स्टार्क का बहुत फैन हूँ एज अ बॉलर, के उसकी मुझे बॉलिंग बहुत अच्छी लगती है, और मैंने देखा भी उसको लाइव बॉल करते हुए, तो इज़ टू क्विक, और ऑब्वियसली विराट और उसका देखने का मज़ा आएगा। मिचेल स्टार्क वर्सेज विराट कोहली, ये बोल दिया शरद ने, आप किस कॉन्टेस्ट के लिए एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में बताइए। ये तो थे मैच के डिस्कशन, ज़बरदस्त मैच होने वाला है, एक तरफ टीम इंडिया और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही टीमें बढ़िया खेल रही हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या भारत अपना विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू करती है या फिर कुछ और। तो ऐसे ही मैच प्रीव्यूज रिव्यूज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्पोर्ट्स स्ट्रीट। थैंक यू। स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स जानने के लिए स्पोर्ट्स स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें और साथ ही